الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمين بالخير تو آج नंबर लमातु एक सेंटेंस आया था लमातु अगर अल्लाह का फजल उन पर नहीं होता तो मर जाते मगर चूंकि हाँ मेरी आवाज आ रही है ना आपको जी सर जी सर चलिए सर तो क्वेश्चन नाइन है कि फजलुल्लाह अलैहिम लमातु अगर आ, अगर अल्लाह का फजल नहीं तो अगर अल्लाह का फजल नहीं होता तो उन पर तो वो क्या करते तो वो हलाक हो जाते ये लावला जो हम आज देख रहे हैं ये लावला इसको पहले हम इसी की तरफ किताब वाले ने जो कहा है उसको जरा पढ़ेंगे लावला जो है हर या हरफु इम त

मेरी आवाज आ रही है ना अदवा शर्त में कह रहा हूं जी सर चलिए तो अदवात शर्त में आपने ये देखा कि भाई कुछ अदावात ऐसे हैं जो एक फैल को देते हैं, लेकिन कुछ अदावात ऐसे हैं जो दो फैलों को क्या देते हैं जजम देते हैं लेकिन आज हम एक ऐसे अदबात शर्त को पढ़ रहे हैं जो किसी फैल को जजम नहीं देता यानी कुछ ऐसे भी ऐसे भी अदावात है अदबात इनको कहा जाता है आप लिखिए की, नोट कीजिए इसको इनको कहा जाता है अदावा शर्त अदावा शर्त गैरुलजैजमती गैरुल शर्त गैरुल जाजिमती हाँ जो ज़ज़्म नहीं देते हैं किस के ऊपर फैले मुदारा के ऊपर अगर कभी वो उनके साथ इस्तेमाल हो जाए जैसे यहाँ है लाउला फजल ला। फजल तो यहाँ तो भाई ये तो इसम है यहाँ फैले मुदारा है नहीं तो ये सवाल ही पैदा नहीं होगा कि ये जजम देगा कि नहीं देगा लेकिन सवाल पैदा हो गया कि अगर आप कह रहे हैं कि ये वो अदा उन अदावत में से है जो फैले मुजाहरा को जजम नहीं देते हैं तो बाकी कौन कौन से हैं उनको नोट कीजिए नंबर एक <coughs> नोट कर रहे हैं ना आप जी सर जी सर नंबर एक ईजा नंबर एक ईजा ईजा हाँ ईजा ईजाजा वगैरह जो आप पढ़ते हैं इफ और दो, नंबर दो लव नंबर दो लव लव शाबाश नंबर दो लव लाव के माना होगा इफ वायर है इफ इफ डैश डैश, डैश वायर हो गए दो हा? जी सर शाबाश नंबर तीन, तीन हो गया यही जो आज हम पढ़ रहे हैं लाउला या कभी कभी लिखते हैं लाउ म लाउला या लाओ ला या लाउ मा शाबाश ये लव का ये लव मा इसका माने हैं इफ डैश डैश डैश, डैश वायर नॉट मैं अभी इसको इसका माने जो आपको दूसरे तरीके से भी सिखाऊंगा इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बट फॉर इंग्लिश में हम बट फॉर बी यू टी बट फॉर डैश डैश यानी बट फॉर यानी चूंकि बट फॉर द ग्रेस ऑफ अल्लाह दे दे क्या बट फॉर क्या है

और लम्मा के माने भी वैन वैन इस्तेमाल होता है डब्ल्यू एच ई एन वैन जी सर और एक और है भाई उसको जरा नोट कीजिए वो है कुल्लमा क्या है कुल्लमा कुल्लमा कुल कीफ है कीफ उर्दू का कीफ कुल्लमा जी सर कुल्लमा कुल्लमा ठीक कुल है शबाश इनको तफसील से यहाँ पढ़ाने की गुंजाइश नहीं है लेकिन ये आपने लिखा इनशाला आगे आगे आते रहेंगे हम उनको वहां पढ़ेंगे अब लवला देखे क्या है भाई हर्फ इम्तनाइन लिवजूद ये क्योंकि कोई चीज नहीं हुई है लिवजूद मिसाल के तौर पर लमातु वो मरे वो मर जाते यानी वो मरे नहीं है वो जिंदा है वो जिंदा है ना जी सर वो मरे नहीं है लिहाजा वो मरे क्यों नहीं वो मरे इसलिए नहीं कि ये ये इसकी वजह से इसकी वजह से यानी अगर अगर लावला लावला जो है ये बता रहा है आपको अगर फजलुल्लाह नहीं होता यानी फजलुल्लाह अगर नहीं होता तो वो मर जाते तो वो मर mm. जाते मर जाते ठीक है हाँ वह था लो और ये दलालत करता है यानी ये, ये ये ये, ये लावला जो ये दलाल करता है किस पर दलालत करता है दलालत करता है देखिए अला जवाब अलम्तिना जवाब जवाब के इम्तिना पर जवाब के इम्तिना यानी इम्पॉसिबिलिटी पर जवाब के ना होने पर जवाब के अदम वजूद में आने पर, पर यानी जो हमने जवाब अभी जवाब मतलब किसका है यह फैलोशरत अदवा तो शर्त का जवाब है ना नजूद शर्त क्योंकि शर्त मौजूद है यानी जवाब पॉसिबल नहीं है क्योंकि शर्त मौजूद है मैं है। चलो यहां एक और मिसाल है नाव जैसे लाउला अगर हवा नहीं होता लक तो लोग हलाक हो जाते तो लोग हलाक हो जाते हलाक हो जाती आई यानी माने क्या है इस सेंटेंस का वजी दल हवा यानी उल्टा लावला अलावा हम कहेंगे वजी दल हवा हवा मौजूद है हवा पाई जा रही है ठीक है फलम यानी के नास तो इसलिए लोग हलाक नहीं हुए नहीं कहते फलम यह लिखे नास क्योंकि हवा तो मौजूद है हवा मौजूद है इसलिए लोग हलाक तो शर्त क्या है लावला अल लावला तो हो गया अदवा तो शर्त हवा हो गया ये तो हो गया हम कहेंगे उसमें हम क्या रहते थे शरद यहाँ हम कहेंगे आ, क्या नाम है इसको हम कहेंगे आ, 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 इसको हम कहेंगे यहाँ मुझे याद नहीं आ रही वो टेक्निकल टर्म क्या है इसके लिए आ, लेकिन यहाँ हम कहेंगे इसका मतलब वो हिस्सा जिसको हम कहेंगे फैलोशरत जवाब शरत और इसको न, क्या नाम है जजाशरद भी बोलते हैं Justice, अच्छा हाँ चलिए मैं इसको अभी इन शह इसको मैं, इसके लिए जो एक टर्म टेक्निकल टर्म ग्रामर के इस्तेमाल करते हैं मैं वो इनशाला बता दूंगा लेकिन फिलहाल आप यहाँ रहेंगे जो इसका जवाब है जवाब इसका क्या है इसमें लाम दाखिल हो गया गए हलकनास तो जवाब जो है जवाब पॉसिबल नहीं है यानी लोग हलाक नहीं हो सकते क्यों क्योंकि शरत पाई जा रही है लोगों के जिंदा रहने की शरत जो है वो हवा है वो पाई जा रही है ठीक है चलिए तो फिर क्या आता है मा, भी हाजल माना। लो लौ, लौ मा जो है ये भी इसी माना में आता है ये भी इसी माना में आता है, है. हाँ ये इसी माने में किस माने में लौला के माने में आता है के माने में हाँ बिल्कुल लौला के माने में आता है चलिए अल इसम क्यों बाद इसके बाद लावला या लव के बाद जो इसम वाका होगा यानी जो इसम आएगा वो क्या है मुबतदा वो मुबतदा होता है हुजीफा खबर जिसकी खबर हजफ की गई है जिसकी खबर हजब की गई है तो लावला अल हवा अल लोलाओ जो है ये तो असल में इसकी तकदीर क्या है तकदीर हो लउलाउ मौजूद अगर हवा मौजूद नहीं होता है हाँ अगर हवा मौजूद नहीं होती तो क्या <coughs> तो लोग हलाक हो जाते ला हला का नास चूंकि ये यहाँ यह यह इस सेंटेंस है ना लावला हला का ये लावला अल हवाउला हला का तो आए वो जिदा अल हवा हवा तो पाई जा रही है तो इसलिए लोग हलाक नहीं हो ये क्या रहा है लाउला अल हवा इसके बाद जो इस मुबतदा हवा की खबर जो है जो कलमा मौजूद होना चाहिए वो हजफ की जाती है हाँ, वो की जाती है. और कभी कबार क्या होगा इसके बाद ला लाव, लाव कभी अन्ना आता है वसमुहा व खबर इन्ना का इसम और इन्ना की खबर आती है जैसे लवला अन्ना, अन्ना जो है ये इन्ना वाको में से है और उसका इसम है, नी, जो यहां है एक 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 जमीर है फिर इसकी खबर मौजूद है यहाँ मरीज उन अगर मैं मरीज नहीं होता बीमार नहीं होता तो मैं आपके साथ जो है सफर करता तो मैं आपके साथ आ जाता ठीक है ना मरीज उन तो ये इसके लिए ये आइए देखिए कैसे इसको, इसको इस्तेमाल किया जाता है यानी जब अन्ना के बगैर इस्तेमाल किया जाता है इसकी खबर हजफ की जाती है लेकिन जब अन्ना आ गया तो फिर इसकी इसमें खबर भी आती है आप दूसरा इंपॉर्टेंट जिसके बारे में है वो याद रखिए वह जवाब और इसका जवाब जो है अलमुस्बतु वो अलमुस्बत यानी इसके जवाब दो हो सकते हैं अलमुस्बत कभी एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव में जवाब होगा एफर्मेटिव में और कभी मंथी में होगा जैसे आप ये कहेंगे अगर मुझे पता होता आप ऐसा करते तो मैं आपके साथ नहीं आता अगर मुझे पता होता आप ऐसा करते तो मैं आपके साथ नहीं आता जैसे यहाँ एक सेंटेंस है देखिए मेरी नजर से गुजरा लिख बारो। अगर एग्जाम नहीं होता अगर एग्जाम मा मज़र तुल्या मा, मा हजर तुल्यामा तो मैं आज नहीं आता तुम्हें आज नहीं आता तो इसलिए कहता है जवाब जवाब अलमुस्बत लेकिन अगर मुस्बत जवाब है यक तरन बिल्लाम तो उसके साथ लाम लगता है जैसे यहाँ लाउला मरीज मरीज़न लसा फर तो माका लसा फर तो शबाद इसी तरह कुरान की एक आयत है लाउला अन अगर आप नहीं होते लकुन्ना मोमिन तो हम जरूर ला लाम यहाँ भी है लकुन्ना मोमिन हम जरूर मोमिन होते आप समझ रहे हैं ना जी सर हा। जवाब हुआ लेकिन अगर मनफी जवाब होगा तो उसमें लाम नहीं लगेगा जैसे आप यहाँ मिसाल पहली मिसाल देख रहे हैं जो भी मैंने बताई लाउलाबारो मा हजरतुल्योमा यहाँ आप ये लाम नहीं लगाएंगे आप नहीं कहेंगे लाउला अल ला इकतबारो ला मा हजरतुल्योमा ऐसा नहीं कहेंगे आप नंबर टू दूसरी मिसाल देखिये लाउला शमसो अगर आप ताप नहीं होता सूरज नहीं होता लहालाकत अलर्ध तो जमीन अलाक हो जाती यानी जमीन तो खर, खर, बंजर होती खराब होती ठीक है जी सर हां जमीन बरीश हो जाती बिल्कुल नंबर 3 लावला अलहया अगर हया नहीं होता लबकना तो हम रो पड़ते यानी वो म बात बा, मनचाओ सो ना तो क्या ना तो वधाब लु कर पाम पाम यह क्या लोग ए, ये मोहन से ये यूत बोड़ गुमुत इंसान यह क्या लोग वदने इसलिए लाउला अलहयाओ अगर मैं बो मंद मंद्छा, मंद छा न कि लबा कई ना हम लोग रो लो, रो पड़ते हम लोग यहां भी ल आ गया क्योंकि जवाब जो है वो मुस्बत है लेकिन यहां देखिए लाउला का मुस्तुन लद आउ तो अगर आप जल्दी में नहीं होते तो मैं आपको अपने घर बुलाता तुका इलल भाई थी, तो मैं आपको अपने घर बुलाता मैं आपको दावत देता अपने घर आने की आप समझ रहे हैं ना चलिए अकमिल अब यहाँ आपके पास दो चार जुमले हैं जरा इनको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए नंबर एक है अल अगर इलम नहीं होता तो जवाब में क्या लिखेंगे हाँ। हम होती हाँ ना हम ल... <laughs> uh, हम जा... ला... जा... ला जा... ला ला हम लजहर होते लगे हलना लगे हलना तो हम कौन हम काउन मीन कायनाथ हम कायनाथ के असरार जो है इसकी मिस्टीरियस न, जो मिस्टीर, इसका मिस्टीरियस होना है हम इसको नहीं समझ लेते हम इसको नहीं समझ पाते या हम ऐसे लिखेंगे लावला अल अगर नहीं होता इलम नहीं होता हाँ असरार तो हम आ, आ, के जो असरार हैं हम उनको नहीं समझ लेते हम उनको जानते नहीं ठीक है मैंने यहाँ इलम को साइंस के माने में ले लिया अब दूसरी मिसाल है लवला अल इस्लाम अगर इस्लाम नहीं होता <स्याँग>

ما عرف ربنا ما عرف عرفن... من ما عرف ربنا يا ما عرف تلقوا أرفع سنجلر مه ما عرف الناس ربهم ربهم جالي نمبر ثري لولا أنك مريض أجراب بمار نهيه تي لولا أنك مريض لا يعني ذهبنا الى السوق لا ذهبنا الى السوق لولا انك مريض اگر بیمار نہیں ہوتے لا ذهبنا الى السوق بہت اچھا سنٹنس ہے نمبر 4 لولا ان البرد شديد شباش لولا ان البرد شديد शबाश अगर हाँ हाँ अगर अगर ठंड ज्यादा नहीं होती लखारिश तो मेनल बाइत लखारिश तो मेनल हमाम बाइत क्या जमाने का लखारिश तो मेनल बाइत तो मैं घर से निकलता लखारिश तो मेनल बाइत ही हाँ चलिए बहुत अच्छा सेंटेंस है आगे बढ़िए अब क्वेश्चन नंबर टेन पे हम आएंगे यहाँ एक एक और चीज आप सीख रहे हैं इसको ऑलरेडी आप सीखते हैं मगर आ, आज हम आप आ, आज, आज आप इसको इसका नाम सीखते हैं सीखने जा रहे हैं असल में क्योंकि आपने इस सेंटेंस को बहुत बार पढ़ा है मन आपनेब्राहिम ये इब्राहिम कौन है ये इब्राहिम कौन है सो so, हुना हाजा नातुन। ये तो यहाँ सिफत है न है। इब्राहिम इब्राहिम का इब्राहिम कलमा जो है इसकी सिफत है ये आप इब्राहिम आप कहते हैं कि भाई इब्राहिम वहां भी हो सकते हैं आप कहते हैं ये इब्राहिम कौन है अब आपने ये कलमा जो इसमें इशारा जो इस्तेमाल किया ये आपने इस पिछले कलमे इब्राहिम का सिफत इस्तेमाल किया हाँ कायदा देखिए क्या है इसका कायदा क्या है कायदा है यकून इस्मल इशारा के नशारा बतौर सिफत होता है कब इन... अलाम। अलाम। जब ये प्रॉपर नाउन के बाद आ जाए याफा या होगा बजर इजाफत किसके जरिए इजाफा के जरिए से इजाफत के जरिए से बदर इजाफत ठीक है जी सर हाँ नाव जैसे मन, हादा। मन हामिद कौन है ये कौन हामिद है तो अलग सेंटेंस हो गया है ठीक है ये यहाँ कहना है ये हामिद कौन है ये हामिद कौन है नहीं मुझे दिखाओ सा हैदी मुझे दिखाओ स आता का अपनी घड़ी हाजी ये यानी अपनी यह घड़ी मुझे दिखाओ कैसे ट्रांसलेट करेंगे मुझे अपनी, अपनी यह घड़ी दिखाओ दिखाओ मुझे अपनी यह घड़ी दिखाओ अरिनी स आता का है दी जी सर नंबर थ्री लेमन जवाज सफरी हाजा ये ये हाजा हाँ, ये पास्पूर्थ, ये पासपोर्ट ये पासपोर्ट क्या कहेंगे ये पासपोर्ट किसका है किसका है हाँ ये पासपोर्ट लिमन एन जवाज सफर जवाज मुजाफ सफर ये पासपोर्ट किसका है लिमन जवाजो सफर नंबर फोर आप समझ रहे हैं ना जी सर जी सर नंबर फोर मफतूहतुन गुरफतुल मुदरिसी तिल का मफतूहतुन गुरफतुल मुदरिसी ना तिल का तिल का क्या हम आपको जरा इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए मफतूहतुन क्या क्या मुदरिस मदरस का वो कम... क्या वो मदरस का कमरा खुला है शावार. क्या वो, वो म, आ, म, आ, म, आ, क्या वो मदरस का वो दर्स का दर्स कमरा, कमरा, कमरा खुला है हाँ, उस्तादों का वो कमरा या हम कहेंगे क्या वो स्टाफ रूम खुला है जरा इंग्लिश वर्ड मैंने इस्तेमाल किया तो थोड़ा सा एक बन गया क्या वो स्टाफ रूम खुला है है ना जी सर उर्दू में हम उर्दू में जब इस्तेमाल करते हैं तो ये नहीं कहते उस्तादों का कमरा नहीं कहते जनरली जनरली स्टाफ रूम में अब इस्तेमाल हो जाता है क्या वो स्टाफ रूम खुला है चलिए बहुत अच्छा जी सर वफी तंजिर पार्क में आया है इज हब इज हब मींस जाओ 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 यानी आप एक मरद जाओ बिकिताबि हाजा मेरी ये किताब किताब के यहाँ माने है मेरी ये चिट्ठी है मेरा एक, कर, मेरा एक खत लेकर मेरा ये नाम क्या है क्या कहते हैं आप आ, आ, मेरा ये पैगाम लेकर ये हजरते हजरते इब, आ, सुलेमान कहते हैं फिर हुदूद हुद को हां सुलेमान बिल हा? किसको so, हुदूद हुद को यानी उस परिंदे को कह रहा इजहब बिकताबी हादा मेरी ये किताब यानी मेरा ये खत मेरा ये पैगाम लेके जाओ फल के फल के फल के फल के नहीं होना चाहिए ये होना चाहिए फल के ही मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए फल के फल के बारह यहाँ भी फाल के लिखा हुआ है आप जरा अपनी किताब पे चेक कीजिए यहां पर भी क्या लिखा है सर अलकिह लिखा है ना हां यस यस हां हम इसको चेक करेंगे आ, बाद में इंशा अल्लाह ताला लेकिन यहाँ है फ अलकिह इलैहिम तो उनकी तरफ इसको क्या कीजिए डाल दीजिए डाल दीजिए अलका की अलقا منس डालना दे डाल। देना यानी उनको ये दे देना सुम्मा <arrows> तवल्ला सुम्मा तवल्ला अनु <है> फिर फिर उनसे क्या आ फिर उनसे लौट के फिर उनसे लौट आ जाओ फिर उनसे लौट आ जाओ यानी फिर वापस आ जाओ ठीक है ना जी सर हाँ फिर उनसे गो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है गो विद दिस, दिस लेटर ऑफ माइंड एंड ड्रॉप इट टू देम एंड ड्रॉप इट टू तो देम देम, देम।, देम। हाँ आप वेट कीजिए मैं जरा इसको आ, चेक करूँगा चेक करूँगा कौन से कि फालकी है सर फाल की है, फा, फाल की या फालकी फाल, ही होना चाहिए नो सर फालकी ही है सर फालकी यहाँ भी इस आयत में भी क्या है इधब भी किताब हादा देखिए किताब किताब मुजाफ मुजाफ इले है या की तरफ और हाजा जो है इसकी सिफत आ गया मेरी यह किताब मेरा यह खत मेरा यह पैगाम लेकर जाओ इसी तरह हदीस शरीफ में आया है कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अली शायद मैं ला अहुज नहीं हज कर पाऊंगा बाद आमी हादा मेरे इस साल के बाद मेरे इस आमी तो आपने इस लेसन टेन में ये सीखा कि हाजा जो है हाजा ही नहीं बल्कि इसमें इशारा जो भी है यह कभी ये कभी कभी बतौर सिफत के भी इस्तेमाल होता है और उसकी है। दो शर्त है कि अगर ये इसमें आलम के बाद आ जाए और नंबर दो अगर ये इसमें मारिफा जो मुआरबिल इजाफा हो उसके बाद आ जाए अब क्वेश्चन नंबर अलेवन है इसको आपने बारह पढ़ा है लिमह हाजी ही हा उस ये हा उस है हा फिल वक्फ और इसको जो है वक्फ के वक्त लाया जाता है कमा भी कौल ही ताला जैसे अल्लाह ने फरमाया वो मा अदरा का माहिया माहिया मा अदरा का माहिया माहिया हाँ, मा मा असल में क्या है माहिया लेकिन जब वहां वकफ करना है तो इसके लिए वो सख्त लगाया गया तो बन गया माहिया इसी तरह लिमा जो है ये असल में है लिमा क्या है असल में लिमा ले। तो जब वहां रुकना होता है जब सिर्फ इतना आप कहते हैं मिसाल के तौर तो पर आप कहते हैं किसी को क्या आपने खाना खाया वो कहता है नहीं तो आप कहते हैं क्यों यानी पूरा सेंटेंस नहीं कहते आप क्यों नहीं खाना खाए आप कहते हैं सिर्फ इतना क्यों तो उस वक्त इस्तेमाल होता है अकल ला मा मा? क्यों नहीं? ले मा? ले मा अपने खाना क्यों मा? क्यों नहीं तो उस वक्त आप हा हो लाएंगे और माहियत पे मुझे याद याद कि इसको हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं माहियत बोलते हैं हम कहते हैं कल भी माहियत यानी इसका नेचर ही चेंज कर देना इसका मतलब वो जो है वो क्या नाम है इसका इसकी एसेंस चेंज कर देना माहियत एसेंस को हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है इन शम्स वल कमर आयतान शम्स और कमर जो है दो निशानियां हैं लायन का सिफान वो वो, वो, वो तो यानी उन पे इक्लिप्स नहीं आता है वो, वो मैंने यानी ग्रहण नहीं आता है सिफान क्या था लाका यानी अब यहाँ देखना है ना कि इसका फायल कहा की, की तो तो। मगर एक पॉइंट जो है वो अंडरस्टूड नहीं है वह क्या है वहुमा मुजक्र यानी इन दो में ऐसे मगर एक मुजक्र है एक मोनस है शमसुन मोनस है और कमर मुजक मुजक्र फैल लेकिन फ़ैल के साथ आ गया यन का तन का सिफान से मुजकर लाया गया तगलीबन किस आ गया तगली बन ये तगलीब क्या है तगलीब है ये कि भाई जब आप एक ग्रुप से बात कर रहे हैं जिसमें खवातीन भी हैं और मर्द भी हैं ठीक है ना जी सर तो आप ये तो लैंग्वेज का पुराना कायदा है कि आप उस वक्त क्या करते आप मुजक्कर का सेगा ही इस्तेमाल करते हैं जैसे कुरान में बार बार है या याकू रकू ए लोगो अल्लाह से डरो इतकू ये मुजक्कर का सेगा है अब हम औरतें अब औरतें नहीं कह सकती ना कि भाई ये हमारे लिए हुक्म नहीं है या अल्लाह ने फरमाया मनो कू अन फुसकूँ वाहली तो यहाँ ये तो मुजक्कर का सेगा है या किसी जगह कहा गया सलात अब औरतें ये सेगा तो का है यार ये तो, ये तो तो आप मुजक्कर हमारे लिए नहीं है नहीं ये तो जब मुज्कर एक साथ मुखातब करने हो तो उनको आप मुजक्कर के सेगे में उनके साथ बात करते हैं प्लूरल के सेगे में या अगर दो हो तो आप उनको दो आप मिसाल आप एक मरद अपने एक बच्चे और एक बच्ची उनको आप कहेंगे आप जाओ आप कहेंगे उनको इस इज अ ठीक है ना अगर दो लड़कियां होती तो एक लड़की हो तो हम कहेंगे आ, हम कहेंगे इज अ क्या कहेंगे इज अ ठीक है ना तो इसी तरह से आप देखिए जब भी से फेल लाना पड़ेगा तो हम मुज़क़्कर का सेगा ही लाएंगे यानी जब दो दो ये इनको 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 दो ग्रुप्स को कहना हो तो वहां आप इसने एक अच्छी मिसाल यहां लाई है जरा इसको देखिए युगलबु अल मुजकर अल المؤنس مذکر

लेकिन जो चूंकि यहाँ जो है तकलीफेगत मैंने हम इसको क्या कहेंगे हम इसको मुजक्कर को यहाँ दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे, करेंगे। हाँ दोनों के लिए ठीक है अब नीदर ना बिल जाय आप क्लास पढ़ा रहे हो तो आप वहां बच्चों को कहेंगे खड़े हो जाओ अब वहां बच्चिया भी हैं हाँ ये करो चले जाओ घर चले जाओ तो वहां भी आप एक ऐसा सेगा इस्तेमाल करेंगे जो तकलीफ का ही सेगा होगा यानी का ही सेगा होगा और आप उनको उनको जो है और जब जो हुक्म देंगे वो लड़कियों के लिए भी वहां होगा होगा हाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थर्टीन एक सिंपल सा क्वेश्चन है फैजा राय तुम हम फद उल्लाह तो अगर आप उनको देखो राय तुम अगर आप तुम दो को, तो। को देखो फद उल्लाह तो अल्लाह से

जी जी सर जी सर चलिए आज फिका का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने सीखा हाँ चलिए क्वेश्चन है वसलू हत्ता वसलू, ए लोगो, नमाज पढ़ो यानी जब आप ये देखेंगे चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण तो आप देखेंगे तो आप वसलू तो आप नमाज पढ़ो हत्ता यहाँ तक यंजली छट जाए क्या छट जाए यंजली का फाइल कौन हाँ, है हाँ यानी यंजली। यंजली अल यऊदूफ जो कुफ के पर जो है लौट रहा है अलमफूम मिना सियाक सियाक से खुद ही समझ आता है।, है सियाक से खुद ही समझ आ रहा है समझ रहे हैं ना आप चलिए तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है हमारे पास अभी तीन मिनट है इन दो तीन ये चार फेल इसने दे दिए हैं मायाति क्या नाम है आ, एक मुफी बनाने की कोशिश कीजिए इन फतह इन फतह फतल बाबू

टुकड़े करना तक मीनस टुकड़े टुकड़े हो जाना हम कहेंगे तकस्सरबो तकस्सरबो प्याला जो है टुकड़े टुकड़े हो गया जवालो जबालो मोबाइल हाँ टुकड़े टुकड़े हो बहुत अच्छा सेंटेंस है और फिर है लावला जरा इसको, इसको इस्तेमाल कीजिए कुछ भी लिखेंगे हम हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल लवला अल इंटरनेट अगर इंटरनेट नहीं होता हा? तो फिर हम 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 पढ़ नहीं पाते हाँ लवला अल इंटरनेट मा मा कर मा मा करा, दरसना मा. हाजी अदरूस मा दरसना हाजल किताब ठीक है हमारे पास कुछ सेकंड बचे हैं मैं यहीं पे आज के लेक्चर को खत्म करता हूं और आज ये हमारा जो है यूनिट भी कंप्लीट हो गया तो इनशाला कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए असला वरह वक्त